मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों की भर्ती फिर से शुरू होगी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, होमगार्ड भर्ती को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है और साथ ही गृह मंत्रालय इसको लेकर जल्दी प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करेगा, क्या कुछ जानकारी दे। देखिए, कल एक मंत्रालय में बैठक हुई थी, होमगार्ड विभाग के बड़े जो अफसर थे वो मौजूद थे, ACS गृह राजेश राजौरा समेत तमाम बड़े उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। उस दौरान देखिए, उन्होंने होमगार्ड जवानों को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी कैबिनेट में महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे। वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे, देखिए महत्वपूर्ण तो ये है कि होमगार्ड जो जवानों का कॉल ऑफ है वो 3 साल में एक बार होगा। अभी फिलहाल साल में एक बार होता है, यानी 10 माह काम करिए, 2 माह आप छुट्टी पर जाइए, अब वो 3 साल में एक बार होगा। साथ ही साथ जो होमगार्ड विभाग है वो जो डाइंग कैडर में पड़ा हुआ है उसको उससे बाहर निकाला जाएगा। देखिए, इस कैडर का अर्थ ये होता है, रशिका जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा, कि कोई किसी भी विभाग में भर्तियां बंद करना और किसी भी विभाग को उस स्थिति में कर देना डाइंग कैडर का मतलब कि उस विभाग वो बंद होने की कगार पर है। अब इस विभाग को इस कैडर से बाहर निकाला जाएगा, ये कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसकी मोहर लगने के बाद अब देखिए भर्तियां शुरू होंगी। लास्ट बार होमगार्ड में भर्तियां देखिए तकरीबन संभवतः 2016 में हुई थी, सिंगस्त के समय भर्तियां हुई थी। उसके बाद से इस विभाग में भर्तियों पर क्लोज का बोर्ड लगा है, यानी भर्तियां नहीं हो रही हैं। डाइंग कैडर में यह विभाग पड़ा हुआ है। होमगार्ड जवानों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब आस जग गई है नरोत्तम मिश्रा की इस बैठक में ये बात कहने के बाद, महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ होमगार्ड जवानों का जो दर्द है कॉल ऑफ का वो भी कम होता नजर आ रहा है। 3 साल में एक बार ये होगा। साथ ही साथ होमगार्ड विभाग को बंद करने की जो कयास लगाए जा रहे थे, देखिए उन पर एक विराम लगा है, क्योंकि डाइंग कैडर से इसको बाहर निकाला जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात कही है। जल्दी कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाए जाएंगे और कैबिनेट की बिल्कुल होमगार्ड के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार वो इस चीज की मांग भी करते दिखते थे और अब 3 साल में कॉल ऑफ दिया जाएगा। तो लगातार प्रमोद आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे।